और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। टोटल 8 आरोपी थे जिसमें एक नाबालिग था। 7 आरोपी कोर्ट में पहुंचे हुए थे और इस समय जो खबर आ रही है उसमें यह खबर है कि 7 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दे दिया गया है इस पूरे मामले में। इसका मतलब उन दोषियों के ऊपर ये दोष साबित हो जाता है कि उन्होंने इस बच्ची को अगवा किया, उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या करी। तो 7 में से 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। कठुआ कांड में 5 लोग दोषी करार। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस पूरे मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, स्तब्ध था पूरा देश और अब आज साबित कर दिया है कि 5 लोग इसमें दोषी हैं। ग्राम प्रधान का बेटा, हालांकि भतीजा जो है वो जुवेनाइल है, इसे जुवेनाइल कोर्ट उसका फैसला देगी, लेकिन 7 में से 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है जिसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। कठुआ कांड में 5 लोग दोषी करार, इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। तो 5 आरोपियों को दोषी करार कर दिया है कोर्ट ने। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि जो अभी तक आरोपी थे अब वो इस पूरे मामले में दोषी हैं। 7 आरोपियों में से 5 लोग दोषी करार दिए गए। हम आपको बता दें कि ग्राम प्रधान इसमें मुख्य आरोपी था, उसका बेटा, उसका भतीजा, कुछ पुलिस वाले जिन्होंने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की थी। अजय बाचलू हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अजय, क्या कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? देखिए, अभी फैसला जो है उस पर अंदर बात चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो वकील आए हैं उन्होंने मीडिया से बात की है। वकीलों का दावा है कि इस मामले में अभी तक 5 लोगों पर जो है जज साहब अपना फैसला सुना चुके हैं, जिसमें आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, सांजी राम, विशाल और तिलक राज, इन 5ों को जो है वो दोषी मान रही है अदालत। और अभी 2 और आरोपी जो है जो इस मामले में दोषी है उन पर फैसला अभी आना बाकी है। शायद जज साहब वो अभी फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या फैसला हुआ है, क्या इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी गई है या उम्र कैद दी गई है, इस बारे में वकीलों ने कुछ नहीं कहा है। सिर्फ ये खबर आ रही है कि इस मामले में 5 आरोपियों को जो है वो जो है कोर्ट ने दोषी माना है। बिल्कुल अजय, बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट क्राइम माना है कोर्ट ने? क्या सजा इनको दी जाएगी? क्या उम्र कैद दी जाएगी या सजाए मौत दी जाएगी? जिस तरीके का ना माफ करने वाला अपराध इन्होंने किया है, तो 7 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया गया है। हम आपको बता दें, आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, सांजी राम जो कि प्रधान है, विशाल जो कि उसका बेटा है, तिलक राज दोषी करार दिए गए हैं। 7 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, कठुआ रेप कांड में 7 आरोपियों में से 5 दोषी करार। जो प्रधान सांजी राम था वो मुख्य आरोपी था, उसका बेटा, उसका भतीजा और पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस वालों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करी, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की यह है कि 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। अजय, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, 5 को दोषी करार दे दिया है, जो बाकी के 2 हैं क्या उनके ऊपर अभी मामला जो सुनवाई है वो चल रही है? बिल्कुल, यहाँ कोर्ट के बाहर खासी गहमा गहमी है और जो वकील जो अंदर से आए, जो मामले से जुड़े हुए वकील हैं, उनकी तरफ से सूचना आई है और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बाकी जो 2 आरोपी हैं उन पर अभी जज साहब अपना फैसला पढ़ रहे हैं। वो फैसला कब तक आता है और इन आरोपियों को क्या सजा देता है कोर्ट, वो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। जी बिल्कुल अजय, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि सांझी राम जो कि प्रधान था और मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले में, और उसका बेटा विशाल, तिलक राज, इनको दोषी करार दे दिया गया है। भतीजा क्योंकि जुवेनाइल है उसका फैसला आज नहीं आएगा, लेकिन 7 में से 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने। अजय जी बिल्कुल, जो 5 आरोपी हैं जिनमें ग्राम प्रधान सांजी राम है, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता सब इंस्पेक्टर वो है और विशाल और तिलक राज, इन सबको दोषी दे देंगे। छोटा मैं 2 मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि वकील अभी फिर बाहर आ रहे हैं, शायद उन दोनों पर भी। बिल्कुल, इस बीच हम ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज कमिंग सून। सर, कितने Let the full decision come. Then I will tell you again. But we can say right now break that 5 have been. Sir, 5 have been on. Sir, कितने आरोपी अभी तक दोषी करार है? अभी 7 नहीं, 5 नहीं है सारे, अभी 2 का भी आना बाकी है।
आपको सुनवा रहे थे वो कह रहा था कि पूरा फैसला आ जाने दीजिए तभी कुछ बताएंगे, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 7 में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। उसको छोड़ दिया गया है। जो दीपक खजूरिया को छोड़ के तिलक राज सुरिंदर और आनंद दत्ता इनको 201 में कन्विक्ट किया गया। छह हुए हैं इसमें, यहाँ विशाल को छोड़ के सारे, सांझी राम इसमें, आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलक राज सुरिंदर, प्रवेश, हाँ विशाल को छोड़, लेट द जजमेंट कॉपी कम, देन विशाल सांझी राम फैसला दे दी, विशाल सांझी राम ठीक है, विशाल को छोड़ दिया है, हाँ जी विशाल को छोड़, बाकी 6 आरोपी घोषित हो चुके हैं, अभी सजा भी सुनाई जाएगी। नो एविडेंस अगेंस्ट प्रॉपर विशाल, नो आई कांट टेल एनीथिंग राइट नाउ, लेट द जजमेंट कॉपी कम, देन आई विल टेल सॉरी। तो वकील के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। विशाल के ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि सुनवाई चल रही है या कोर्ट ने बरी कर दिया है, अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि अभी कार्रवाई लगातार जारी है, अभी पूरे अपडेट बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जितनी खबर आई है वो ये कि 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया गया है। कठुआ रेप कांड में हत्या की गई थी एक 8 साल की छोटी बच्ची की, उस पूरे मामले में पठानकोट कोर्ट का फैसला इस समय आ रहा है, जो छन छन कर खबर बाहर आ रही है। वकील के हवाले से 7 में से 6 को दोषी करार दिया गया है। आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, सांझी राम, तिलक राज को दोषी करार दिया गया है। हालांकि विशाल जो कि प्रधान का बेटा है उसके नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो कठुआ रेप और हत्या केस में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार कोर्ट ने दिया है। हालांकि अभी सजा नहीं पता चल पाई है कि क्या सजा कोर्ट मुकर्रर करेगी इन दोषियों के लिए, लेकिन ये बात तय हो जाती है कि 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दे दिया गया है। यानी कि ये जो 6 लोग थे ये शामिल थे इस छोटी बच्ची के रेप में, उसकी उसको अगवा करने में, उसकी हत्या करने में दोषी करार कोर्ट ने दिया। कठुआ कांड में बड़ा फैसला, 6 को दोषी करार दिया गया है 7 आरोपियों में से। 8वां आरोपी क्योंकि नाबालिग है इसलिए उसके ऊपर आज फैसला नहीं आएगा। अजय बाजलू आपका रुख करना चाहूंगी, वकील को हम सुन रहे हैं, तो विशाल के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। अजय से हम फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सांझी राम जो कि मुख्य आरोपी था इस पूरे रेप कांड में, उसको दोषी मान लिया है कोर्ट ने। आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलक राज, इसमें पुलिस वालों को भी दोषी करार दिया गया है। 7 में से 6 के ऊपर ये मामला साबित हो जाता है। अभी तक वो आरोपी थे लेकिन अब उनको दोषी कहा जाएगा क्योंकि कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें उनको दोषी करार दिया गया है, वकील का ये बताना है। हालांकि विशाल जो कि प्रधान का बेटा है उसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है या कोर्ट ने उसको दोष मुक्त किया है, ये अभी सामने नहीं है। सांझी राम की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधान है जिसके ऊपर ये आरोप है। आरोपी नंबर 3 जो है वो प्रवेश कुमार है, आप देख सकते हैं इस समय इसको भी दोषी करार दिया गया है। अभी तक आरोपी था लेकिन अब ये दोषी है। तिलक राज, ये आप तस्वीर देखिए, पुलिस वाले भी साक्षियों को मिटाने में मिले हुए थे, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पठानकोट ट्रांसफर किया। आरोपी नंबर 5 जो कि अब दोषी नंबर 5 है, दीपक खजूरिया, इस समय आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये हमने लाल गोला बनाया है, ये विशाल की फोटो है, आरोपी नंबर 6। अजय बाजलू का मैं रुक करूंगी। अजय, विशाल के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है प्रधान के बेटे के ऊपर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अभी जो वकील बाहर आए हैं, जो क्योंकि अभी भी जो है जज साहब अपना फैसला अंदर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो वकील बाहर आए हैं यहाँ कोर्ट में, उनका ये दावा है कि 7 बालिग आरोपियों में से 6 को सजा मिली है और विशाल जो है उससे बरी किया है जज ने। हालांकि अभी तक ऑफिशियल इस पे कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर में आएगी, लेकिन जो वकील हैं उनका ये दावा है क्या है, और विशाल जो आरोपी है
उसको अभी जो है अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक बरी किया है कोर्ट ने, और अभी भी अंदर लगातार इस मामले पर बहस जो है, इस मामले पर जज साहब जो अपना फैसला है वो सुना ही रहे हैं। अजय अजय, क्या कुछ सूत्रों से खबर आ पा रही है आपके पास कि किस धारा के तहत इनको दोषी करार दिया गया और क्या सजा इनको मिल सकती है? देखिए, सजा का जो अभी तक खबर आ रही है करीब 2 बजे के आसपास, इस पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि सजा क्या मिलेगी इस पर जो है जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह की धाराएं हैं, जैसे साजिश रचना, उसके बाद सबूतों को मिटाना, हत्या और रेप, इस तरह के जो धाराएं हैं जो इन आरोपियों पर लगी है, और अलग अलग आरोपी पर अलग अलग धाराएं लगी हैं, लेकिन फिलहाल हत्या, रेप, किडनैपिंग और सबूतों को मिटाना और कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचना, इस तरह के आरोप जो है इन सभी लोगों पर लगे हैं। जी ठीक है, अजय आप नजर बना के रखिए, जैसा कि वकीलों के हवाले से खबर आ रही है 7 में से 6 बालिगों को दोषी करार दिया गया है। विशाल के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, हालांकि वकीलों का कहना है कि उसको बरी किया गया है, हालांकि क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी जो सजा है उसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लगभग 2 बजे सजा का ऐलान होगा।